Subscribe to Shemaroo Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. आईजी साहब, कम से कम दो टुकड़ियां बीएसएफ की और दो सीआरपीएफ की जरूर लगवा देना। फायर ब्रिगेड। हाँ जी, फायर ब्रिगेड, बैरिकेड्स और टीयर गैस का भी प्रॉपर इंतजाम करना है। प्रधान जी, एम्बुलेंस। हाँ जी, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को भी प्रॉपरली तैनात करना है जी। हाँ जी, ओके ओके जी। जनाब, क्या बात है, कोई दंगे फसाद होने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, कल हमारा शांति सम्मेलन है ना, हमें डर है कहीं हमारे पार्टी वाले आपस में ना लड़ पड़े। इंस्पेक्टर साहब, मैं 4 दिन से 10 चक्कर काट चुका हूँ, अब मेरी FIR दर्ज कर ले। केस क्या है? मैं कितनी बार तो बता चुका हूँ कि मेरी भैंस चोरी हो गई है। आपको किस पे शक है? शक हजूर, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नौकर रामू ने मेरी भैंस को भगाया। भैंस बालिक है या नाबालिग? क्या? मेरा मतलब हो सकता है कि भैंस अपनी मर्जी के साथ गई हो। जी, अगर भैंस की उम्र 18 साल से ऊपर है तो वो किसी के साथ भी जा सकती है। हजूर, मेरी भैंस भागी है, मेरी लड़की नहीं। वो हो तो फिर लड़की किसकी भागी है? लड़की तो मेरी भागी है जी। तो फिर तुम दोनों कैसे अंदर आ गए, कंफ्यूजन मचा रखी है। मैं तो पहले आया था जी। तो तुम दोनों कल आना, चलो। लेकिन मेरी FIR। वो FIR कल दर्ज करेंगे, 1-2 दिन अपनी लड़की को ढूंढ लो। साहब, लड़की नहीं, भैंस। जो भी, आप कल आ जाना। चलो जनाब, मुबारक हो, बड़ी देर के बाद एक जेन्युइन चोर पकड़ के लाया। क्या नाम है भाई? जी मुखर्जी। लो, करनी चोरियां और नाम के साथ जी। जनाब, अगर आपको जी से इतराज है तो आप मुझे मुखरी कह ले। क्या चोरी किया? स्कूटर चोरी किया जनाब। इसमें कहां से भाई? वो कोई देशराज है जी, बर्तनों वाला, उसके घर से।